हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीट, 5 सीट और 3 सीट की मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली से ही जीतन राम मांझी ने। उनसे पूछा गया कि झारखंड में आपको एक भी सीट नहीं मिला, तो उन्होंने अचंभित होते हुए कहा मीडिया से कि क्या झारखंड में सीट बंटवारा हो गया, हमें मालूम नहीं है, हम बातचीत करेंगे। आखिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अनुशासित पार्टी है और हमें लोकसभा में भी कई सीट की मांग किए थे, लेकिन एक सीट हमको मिला और उस पर चुनाव लड़े। आगे हम बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे। क्या कुछ कर रहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, सुन लिए, शांत हुए। बहुत से छात्रावासों में और बहुत से हमारे जो अम्बेडकर या कस्तूरबा विद्यालय होते हैं वहाँ पर भी विषैला भोजन से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? जहाँ तक रही बात शराब की, तो शराब में बाहर से खेप आती है, उसको लोग पीते हैं तो लोग मर रहे हैं। रही बात मरने के उपरांत, सरकार संवेदनशील है, अपने संवेदनशीलता से उसका गहन इंक्वायरी कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप जानते तो करते हैं कि जांच दल का भी गठन हो गया है और उसके उपरांत जो इसके लिए फॉल्टी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। यही है कार्य, इसमें तो और कोई विशेष बात करने को आती है। वहाँ बंटवारा हो गई सीटों का, हमको पता नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम मांग करते हैं तो अभी समय नहीं गया है, अभी बात होगी अभी। अरे हम हमारी पार्टी अनुशासित सिपाही है, आप देखा कि पार्लियामेंट में हमको एक सीट दिया था, उस पर हमने भरोसा किया और रहे। उसी प्रकार से झारखंड में हमने 10 सीट की बात की है, 5 सीट की बात की है, 3 सीट की भी बात की है। अगर उस पर विचार नहीं होगा, देखा जाएगा, मांग मैं करूँगा। आगे नहीं जाना चाहिए यार, आगे क्यों ऐसे क्या है मजा जाएगा। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं, हम लोग सीट की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं मिला है, इसको लेके हम बातचीत करेंगे। आखिर झारखंड में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ जीतन राम मांझी की पार्टी के द्वारा 11 सीट, नहीं तो 5 सीट, नहीं तो 3 सीट की मांग की जा रही थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अनुशासित पार्टी है और NDA का घटक दल है, तो क्या झारखंड में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA के घटक दल को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से छपरा और सिवान में जो जहरीली शराब कांड से मौतें हुई है, उसको लेके जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि जो जहरीली शराब से मौतें हो रही है, जो लोग ला रहे हैं जहरीली शराब, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या जीतन राम मांझी जो पहले से बयान दे रहे थे कि बिहार में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और अब बिहार में जहरीली शराब से मौत हो गई है, तो जीतन राम मांझी अपना बयान बदल के कह रहे हैं कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।